नागरिकता संशोधन बिल को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कैब भारतीय संविधान पर हमला है, जो भी इसका समर्थन करता है वो हमारे राष्ट्र की नींव को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बिल पर उबाल जारी है। नॉर्थ ईस्ट में तो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लेकिन वहीं विपक्ष भी लगातार कैब को लेकर निशाने साध रहा है। राहुल गांधी का ट्वीट आया, बिल का समर्थन करने वाले देश की बुनियाद को तोड़ रहे हैं, ये कहना है संविधान के खिलाफ है, ये कहना है राहुल गांधी का। हालांकि आपको बता दें कि कल 311 पक्ष में वोट पड़े और इसके साथ लोकसभा से यह बिल पास हो चुका है। अब जल्द ही इसे राज्यसभा में रखा जाएगा और राज्यसभा की नोट मिलते ही ये कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। लेकिन उससे पहले लगातार विपक्ष का नागरिकता संशोधन बिल को लेकर हंगामा भी जारी है, कटाक्ष भी जारी है।